हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पद्मा। मेरे किचन में आप लोगों को स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी, कुरकुरा भिंडी। आइए देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। भिंडी को मैं ऐसे करके साफ़ कर लूँगी। पहले देखिए भिंडी मैंने साफ़ कर लिया, अभी कटिंग कर लेंगे। ऐसे करके लंबे लंबे पतले पतले करके कटिंग कर लेंगे। ये देखिए ऐसे करके, ऐसे करके लंबे लंबे पतले पतले करके कटिंग कर लेंगे। ये देखिए देखिए कटिंग कर लिया इसको लंबे लंबे पतले पतले करके। अब इसमें मसाला मिलाएंगे, नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, बेसन, अभी इसको मिला के मैं 2 मिनट रख दूंगी। जाके ये सॉफ्ट हो जाए। देखिए 2 मिनट बाद सॉफ्ट हो गई, ये गीला हो गया है। देखिए अब इसको तालेंगे। आइए तलते। एक कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है, इसमें डाल देंगे भिंडी। ये देखिए कितना अच्छा हुआ है, थोड़ा और तालेंगे इसको। ये दाल चावल के साथ बहुत टेस्टी लगता है खाने में। हो गई देखिए, अब इसे निकाल लेंगे। और भी जो है उसको भी ताल लेंगे इसे। मीडियम आंच पे तालना है। एक तरफ हो जाए उसके बाद पलट देंगे इसको। देखिए एक तरफ हो गया, इसको अभी पलट देंगे दूसरी तरफ। मैंने ज़्यादा बेसन भी नहीं लगाया, ऐसे ही अच्छा लगता है बहुत। इसको हल्के आंच से चलाएंगे अभी। देखिए हो गया, अभी इसे निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा हुआ। ऐसे करके सारे तल लेंगे भिंडी। तो देखिए कुरकुरा भिंडी बन के रही है। कुरकुरा भिंडी दाल चावल के साथ घर में ज़रूर बना के खाना, और कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी है रेसिपी मेरी।
और घर पे ज़रूर ट्राई करना मेरी रेसिपी को। और क्या करना है पता है आप लोगों को, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरे वीडियो को देखते रहना एंड तक। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।